हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ। आज हम ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की क्रीम, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ अपनी फेस पे। अच्छे से अपने फेस पे लगाएंगे इस क्रीम को। ये क्रीम बहुत अच्छा सा ग्लो देती है, पिंकिश शेड होता है इसका, तो ये बहुत ही अच्छा सा पिंक सा ग्लो देती है आपके फेस के ऊपर। अच्छे से अपने फेस पे लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं पहले और अब की स्किन में। इस तरीके से मैं अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल से स्टेप से और सिर्फ 3-4 चीज़ों को यूज़ करके मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की स्टिक। जो ये ओलिविया की स्टिक है, ये आपके फेस पे एक अच्छा सा बेस तैयार कर देती है, जिससे आपकी स्किन को कोई भी डैमेज नहीं होता है। इस तरीके से मैं सिर्फ इसको एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, आप अफोर्डेबल प्राइस में हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चोट का निशान है, मैं गिर गई थी उसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी स्कूटी से। और इस तरीके से मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से ही उसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही आप इसको आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से मैंने इसको अपने फिंगर से ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। और अब हम अपनी आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। ये मैंने एक शॉप से ली थी 25-30 रुपीस की, नॉर्मल सी। इस तरीके से और हम अपनी आईब्रो को शेप दे लेंगे अच्छे से, सुंदर से, धीरे धीरे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट से मैंने एक कलर यूज़ किया है, जो कि है मतलब बहुत ही लाइट सा कलर है। उसके बाद ब्राउन रेड शेड है मिक्स वाला, क्योंकि मुझे ये डेली मेकअप करना था। नॉर्मली जो हम इधर उधर जाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिंगर की हेल्प से आईज पे लगा लिया है और मैं यहाँ पे कोई आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी मैं कॉम्पैक्ट भी बहुत हल्का हल्का यूज़ कर रही हूँ, तो हम ज़्यादा कुछ अपने फेस पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन उतनी ज़्यादा ही ख़राब होने लग जाती है। तो इस तरीके से बहुत हल्का हल्का हर चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, NYB की ही, शेड नंबर है स्लाइट ओल्डी 9, जो कि इन दिनों मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। जो मैंने पहले लगाई थी वो थी LE18 का पिंक शेड था उसका ना। बट ये वाली जो लिपस्टिक है ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये हटती भी नहीं है, पिगमेंटेड है काफ़ी अच्छी। तो बस ये हो गया है हमारा मेकअप लुक रेडी, ठीक है। अभी हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बिंदी लगा लेते हैं अच्छी सी। 3-2-1 हम मिल गई है जट्टी तेन चन्न वर्गी, समझ ला जट्टा तेरा गुड लक वे, हां लाडा नाल रखी।